फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको टैली में प्राइस लिस्ट क्रिएट करना बताऊंगी। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले मैं टैली को ओपन कर लेती हूँ। ये क्विक लॉन्चर में मेरी टैली पड़ी हुई है और मैंने यहाँ पर अपनी कंपनी को ओपन कर लिया है MICS कंपनी के नाम से। ठीक है, हमने एक नई कंपनी बनाई है, ये MICS कंपनी, जिसमें देखिए नो वाउचर एंटर्ड है, यानी कि बिल्कुल न्यू कंपनी है। उसके बाद में हम यहाँ पे F11 प्रेस करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में आके F11 प्रेस करेंगे और इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे। यहाँ पर इन्वेंट्री फीचर्स में क्लिक करके यहाँ पे आ रहा है दोस्तों यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम, इसको यस कर देंगे और यूज मल्टीपल प्राइस लेवल्स को भी हम यहाँ पे यस कर देंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी प्राइस लेवल क्या होता है। देखिए, जब भी हम किसी मॉल में, किसी शॉप पे या एक्स वाई जेड कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, तो हमारे पास में कई तरह के कस्टमर होते हैं। कोई हमारे स्टेट का होता है, कोई अदर स्टेट का होता है, कोई आपके बहुत क्लोज होता है, बहुत पुराना होता है। इस तरीके से बहुत सारे हमारे लेवल होते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दो लेवल बांट लिए हैं, ओल्ड रिटेलर जो मुझसे सामान लेते हैं उनकी एक लिस्ट बना ली और एक मैंने अपने सिंपल कस्टमर्स की लिस्ट बना ली है। ठीक है, मैं इसको और भी ज़्यादा पार्ट्स में बांट सकती हूँ। जैसे मैं लेडीज़ को अलग सर्टिफिकेशन देना चाहती हूँ, या एज वाइज देना चाहती हूँ, या कोई स्टूडेंट को देना चाहती हूँ। जैसे मैंने एक स्टूडेंट का भी लेवल बना लिया है, स्टूडेंट जिनकी एज 18 ईयर्स मिनिमम, ये मैंने एक लेवल बना लिया है। ठीक है ना, इसको मैंने एंटर करके यहाँ पे सेव कर दिया। हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे हम हमेशा करते हैं, हम यहाँ पे GST को एक्टिवेट कर लेंगे, F11 प्रेस करेंगे और स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे जाएंगे और यहाँ पर यस, नीचे यस इसको फिल कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश रेगुलर। यहाँ पर हम GSTN नंबर डाल देंगे और ईवे बिल को नो कर देते हैं, सेव कर देते हैं, कंट्रोल ए से सेव करके बाहर आ जाते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो में आने के बाद तो प्राइस लिस्ट का एक ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, लेकिन ये अभी धुंधला दिखाई दे रहा है, प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, हमने अभी स्टॉक की आइटम्स नहीं बनाई है। तो हम स्टॉक आइटम्स बना लेते हैं, स्टॉक ग्रुप बनाते हैं पहले। जैसे मैंने सपोज दैट ये मोबाइल की कंपनी शुरू करी है, तो मैंने एक नोकिया का बना लिया है और यहाँ पे इसको यस कर देते हैं और एक सैमसंग का बना लेते हैं। अच्छा, इसमें दोस्तों GST मैं एक ही बार लगा लेती हूँ ना, फिर मुझे आइटम में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ मैं सैमसंग और HSN कोड डाल देते हैं, टैक्सेबल हो जाएगा ये। बिल्कुल सेम उसी तरह GST लगनी है, बस उससे क्या होगा कि जो भी मैं सैमसंग के मोबाइल लूंगी उसमें मुझे GST लगी लगाई मिलेगी। मैं नोकिया में भी ऑल्टर करके GST लगा देती हूँ। डिस्क्रिप्शन में मोबाइल, HSN कोड और टैक्सेबल। तो हमने ये दोनों ग्रुप्स में GST भी लगा ली है। अब मैं आइटम्स को क्रिएट कर लेती हूँ। जैसे नोकिया में मैंने एक आइटम ली है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया नोकिया आशा। किसके अंदर रखेंगे, नोकिया के अंतर्गत। मैंने ले वो नहीं बनाया था अपना यूनिट्स, तो ऑल्ट सी करके पीसेस में बना लेते हैं यूनिट। और इसमें GST लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ग्रुप में लगा ली है फ्रेंड्स। एक मैं ले लेती हूँ नोकिया S2, इसको भी नोकिया के अंदर डाल देते हैं ये पी। तो हमारी आइटम्स भी बन गई हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो ऑप्शन है ये क्लियर तरीके से हाईलाइट होने लगा है, बनाया है अभी, है ना। तो मैं जरा लेजर्स भी बना लेती हूँ, सिंपल लेजर बनने हैं सारे के सारे। सेल्स अकाउंट का, सेल्स के अंतर्गत ले लेते हैं इसको, सेल्स अकाउंट और यहाँ पे गुड्स। और बाकी मैं लेजर ऑल्ट सी से बना लेंगे, जिसकी जहाँ पे ज़रूरत लगेगी, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा उससे कोई फ़ायदा नहीं। आप लोग को प्रॉपर तरह से मैं बता चुकी हूँ कैसे क्या बनता है। स्टॉक आइटम्स के बाद में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इन्वेंट्री इन्फो में जाना है, प्राइस लिस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, हमने ग्रुप्स बना लिए हैं, आपको ऑल आइटम्स पे लेना है, ऑल आइटम्स ले लेंगे। प्राइस लेवल पहले कस्टमर्स का ले लेते हैं, इनको आपको कब से एप्लीकेबल करना है, जैसे 1 अप्रैल से मुझे से एप्लीकेबल करना है। पार्टिकुलर्स में आपने कहा नोकिया आशा, आपने कहा 0 से जो लगभग 10 पीस खरीदेगा
उसको मैं ये वाला 2800 में दूंगी और इसमें 1% का डिस्काउंट भी दूंगी, और 10 से जो 15 पीस खरीदेगा लगभग उसको मैं यही पीस 3000 रुपये लगभग 2700 में दूंगी, और इसको मैं लगभग 2% का डिस्काउंट देने वाली हूँ, और जो 15 से 20 पीस के बीच में खरीदेगा उसको मैं ये पीस 2600 में दूंगी, और उसको भी मैं लगभग 2.5 का डिस्काउंट दूंगी, और 20 से अबव वाले को मैं ये वाले जो पीस हैं 2500 में ही दे दूंगी, या फिर इसको थोड़ा सा और मार्जिन कर देते 2550 में, और इसको मैं 3% का डिस्काउंट दूंगी। ठीक, ये तो हो गया नोकिया आशा का। अब उसके बाद में नोकिया S2 ला लेंगे, ये मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अब कस्टमर्स का हो गया है, अब यहाँ पे हम ओल्ड रिटेलर्स का डाल देते हैं। ओल्ड रिटेलर का तो हो गया है ना, सैमसंग में डिस्काउंट देना चाहते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे सैमसंग ले लीजिए स्टूडेंट में। तो पार्टिकुलर्स में मैंने सैमसंग के ही हाईलाइट हो रहे हैं, देखिए आइटम यहाँ पे मैंने कर दिया है लेस देन, जो 0 से 10 पीस के बीच में लेगा उसको मैं डिस्काउंट देने वाली हूँ लगभग 2800 रुपये का, और 2800 10 से 15 पीस वालों को 20 से 10 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 पीस वालों को 20 से 10
मुझे कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, ये परचेज अकाउंट का लेजर है। हाँ एट एनी हाउ वो मुझे अगर जैसे नोकिया आशा के मैंने पीस खरीदे 25 पीस, उसने रेट दिया मुझे लगभग 2500 रुपये का, मेरे को 1% उसने डिस्काउंट दे दिया, तो वो उसकी इच्छा है ठीक है ना, वो लेकिन वो रूल्स में नहीं है, उसने ये GST लगा देते हैं। फ्रेंड्स अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम लगे, मैं बार बार बता रही हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगी। अब मैं सेल्स कर रही हूँ, देखिए जैसे ही मैंने सेल्स पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है प्राइस लेवल ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने रेफरेंस नंबर डाला, पार्टी अकाउंट नेम डाला अपना, डेप्टर, डेप्टर को बेचूंगी मैं, और यहाँ पे ये देखिए सेल्स अकाउंट। अब राहुल डेप्टर कौन है, मेरा कस्टमर है। अब जैसे ही मैंने कस्टमर को सामान बेचा आपने नोकिया आशा ठीक, क्वांटिटी डाली मैंने लगभग 20 पीस, तो देखिए रेट ऑटोमेटिक आ गए ठीक है ना, कितने पीस मैंने बोला था जो 15 से ज़्यादा पीस खरीदेगा उससे 2550 में दूंगी और 3% डिस्काउंट ऑटोमेटिक आ गया। ऐसे ही आप सारे आइटम पे देख लेते हैं, हमने जिस पे इसको डिस्काउंट एक्टिव किया होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसको मैंने जैसे कि 10 पीस खरीदे, देखिए रेट आ गया सर 10 पीस का 2% डिस्काउंट दिया गया। ऐसे ही सैमसंग का देख लेते हैं, सैमसंग में मैंने इसको 15 पीस सेल किए, सैमसंग में देखिए मैंने एक्टिव नहीं किया था ओके, दो ही आइटम पे एक्टिव किया था इसलिए दो के उसने आइटम दे दिए, तो मैं इसको बेच देती हूँ यहाँ पे इसको 3000 रुपये का ओके, और डिस्काउंट मैंने इसको 1% दे दिया, GST लगा देते हैं ये देखिए, और SGST भी लगा देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये कस्टमर तो हो गया मेरा, लेकिन मैंने तीन वो बना ग्रुप बना रखे हैं इसमें ना, कस्टमर है, रिटेलर है और स्टूडेंट्स है। तो अब मुझे क्या करना है, स्टूडेंट्स का बेचना है जैसे कि, तो पार्टी अकाउंट नहीं मुझे एक बनाना पड़ेगा क्योंकि मैंने एक ही बनाया था कस्टमर वाला, तो मैंने अब जो बनाया एक बना लिया फरहीम के नाम से। फरहीम कौन है मेरी, इसको मैं ज़रा लिख देती हूँ DR सेंड्री डेप्टर। अब देखिए यहाँ पे नाम आ रहा है, तो कस्टमर्स में ले चुकी हूँ, ये मेरे ओल्ड रिटेलर है ठीक है, ये मेरी ओल्ड रिटेलर में मैंने इसको रखा है, और यहाँ पे इसका GST नंबर ले लेते हैं जैसे कि हम हमेशा लेते आए हैं ताकि टैक्स लगा सकें हम। ये देखिए
सैमसंग J2 डाल के देखती हूँ, शायद मैंने इसमें डिस्काउंट दिया था इसको दो पीस पे, इसको डिस्काउंट है वो आ गया है, देखिए ऑटोमेटिक ओल्ड रिटेलर का। और सैमसंग J7 पे भी देख लेते हैं, इस पे भी मैंने इसको दो पीस ही बेचे, इस पे भी डिस्काउंट था, देखिए आ गया। GST लगा देती हूँ। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा, और यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब दोस्तों मुझे स्टूडेंट लेवल का एक बनाना है, जैसे मैंने गार्गी के नाम से, गार्गी मेरी एक स्टूडेंट है, मैंने उसका नाम ले लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे स्टूडेंट 18 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए, इसका मैंने एक ग्रुप बना लिया था। ये देखिए, इसको मैंने खाली सैमसंग में दिया था। मैं ज़रा इसका GST लगा लेती हूँ फ्रेंड्स, तो GST नहीं लेगा ये। ये देखिए, इसमें मैंने खाली सैमसंग में दिया था हमने स्टूडेंट को, तो सैमसंग J7 के मैंने इसको पीस 15 पीस, ये देखिए ऑटोमेटिक आ गया। इसको मैंने डिस्काउंट नहीं हाईलाइट हो रहा, शायद डिस्काउंट नहीं दिया था मैंने इसको, 5 पीस 1% डिस्काउंट है इस पर। और इस पर मैं GST लगा देती हूँ, SGST लगा देते हैं। बिल वगैरह आपको मैं देखना पहले बता चुकी हूँ हम इसका बिल कैसे देखते हैं। तो अब हम डिस्प्ले में जाके अपनी सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं, स्टॉक समरी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले मैं अपना बैलेंस शीट चेक करूँगी मेरे पास में कितने आइटम्स बचे। ये देखिए करंट एसेट्स कितने हैं मेरे पास, लोन्स लायबिलिटी कुछ नहीं है, करंट लायबिलिटी भी मेरे पास 272,221 रुपये की है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको पहले, GST पे करना है। प्रॉफिट एंड लॉस 2398 रुपये का मुझको प्रॉफिट हुआ है, जिस अकाउंट मैंने 262,350 का सामान खरीदा, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इतना हुआ। और बेचा कितने का है मैंने यहाँ पे सेल्स अकाउंट में देख लेते हैं, ये मैंने लगभग 197,428 रुपये का सामान बेचा है। ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या और कब कब बेचा। राहुल डेप्टर को सेल किया है एक वाउचर नंबर 1 में, फरीन डेप्टर को बेचा है, आप इसको एंटर करके डिटेल भी देख सकते हैं। ये देखिए आपकी पूरी जो विंडो है वो खुल जाएगी, और यहाँ पे आप इसका टैक्स एनालिसिस भी चेक कर सकते हैं आपने कितने में कितना किया। ऑल्ट ए प्रेस करेंगे, ये देखिए टैक्स एनालिसिस दिखाएगा आपको आपने कितने परसेंट GST सेल्स टैक्स में नोकिया आशा में 49,470 टैक्सेबल वैल्यू है, और इसमें जो GST लगी है वो 2473 रुपये की लगी है, इसमें 1323 की लगी है नोकिया S2 में, और सैमसंग J2 में 2227 रुपये की लगी है, यानी कि टोटल आपकी 6024 रुपये की GST लगी है। ओके दोस्तों, ऑल्ट के साथ में आप F1 दबाएंगे, इसकी पूरी डिटेल भी आ जाएगी। ये देखिए कि आपने कितने परसेंट टैक्स दिया, 2.5% लगा है इसमें, यानी कि 5% टैक्स, सब में 5-5% है, बट रेट के अकॉर्डिंग जो टैक्स का रेट होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑल्ट F1 से आप पूरी डिटेल देख सकते हैं, और दोबारा जब आप ऑल्ट के साथ F1 दबाएंगे तो ये कंडेंस्ड हो जाएगा, यानी उसी फॉर्म में आ जाएगा, और एस्केप की से आप बाहर आ जाएंगे, ठीक है। राहुल डेप्टर को आपने सामान बेचा है, फरहीन डेप्टर को और गार्गी डेप्टर को बेचा है, ठीक है ना। कहीं पे आपको कोई भी चीज़ चेक करनी है आप इजीली, मैंने आपको बताया है वैसे आप चेक कर सकते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक अभी मेरे पास में 67,320 रुपये का सामान बचा भी हुआ है, और 2398 रुपये का मेरा प्रॉफिट हुआ है। और क्या देखना है हमको, स्टॉक समरी हमको समझ में ही आ गई है। अगर आप आइटम्स देखना चाहते हैं आपके पास क्या क्या बचा है, तो आप स्टॉक समरी में जाके नोकिया के 50,000, ये देखिए 5 पीस बचे हैं, और नोकिया S2 के आपके पास में 15 पीस में चेक कर लेते हैं, 3 और 3 पीस बचे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कहीं पे कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो फ्रेंड्स, तो मैं अगेन एंड अगेन आपसे कहती हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं और अच्छे तरीके से आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।